सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल विलेज कुकिंग VHS में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का अचार। किस प्रकार से बनेगा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं टिप्स, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने यहाँ पे 1 किलो गाजर लिया है, हमने इसे छील के ठंडे पानी से धो लिया है। अब इसे हम गर्म पानी से एक बार धो लेंगे। दोस्तों, ये हमने पानी गर्म कर लिया था, इसमें हमने 2 चम्मच नमक डाला है। इससे गाजर अच्छे से, इसमें जो भी बैक्टीरिया वगैरह होगा वो साफ हो जाएगा और अचार की जो शेल लाइफ है वो लॉन्ग टाइम तक बढ़ जाएगी इसकी। तो आप इसे अच्छे से हाथ से धो लें। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो हमने इसे लंबा लंबा काटना है और अगर आपके पास ये गाजर का व्हाइट पार्ट ज़्यादा हो तो आप इसे निकाल दें। फिलहाल हमारे इसमें व्हाइट पार्ट ज़्यादा नहीं है तो हम नहीं निकालेंगे। दोस्तों, गाजर को हमने इसे लंबा लंबा काट लिया है। आप चाहे तो इसे गोल भी काट सकते हैं या अपने अनुसार जैसे भी आपको काटना है गाजर को काट सकते हैं। दोस्तों, अब आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। गाजर को हम थोड़ा सा स्टीम ले लेंगे, स्टीम कर लेंगे इसको। तो कटे हुए गाजर है, इसमें हम 1/2 चम्मच डालेंगे हल्दी और 1 चम्मच डालेंगे हम नमक। इसको हम मिक्स कर लेंगे एक बार हाथों से। तो इसमें देखिए आप, हल्दी और नमक को मिक्स कर लिया है। अब हम इस गाजर को 2 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। अगर आपके पास इस प्रकार का मोमो का कंटेनर है तो आप उसमें कर सकते हैं या फिर आप किसी कढ़ाई में भी जाली लगा के उसमें भी कर सकते हैं। दोस्तों, पानी हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें 2 मिनट के लिए स्टीम देंगे। दोस्तों, गाजर को हमें आधा पकाना है। आप ये देख सकते हैं स्टीम लग के ये थोड़ा सा पक चुका है, ज़्यादा नहीं पकाएंगे हम इसे। स्टीम करके थाली में निकाल लेना है, हल्का इसे सुखा लेना है अभी। दोस्तों, जब तक अचार सूख रहा है तब तक हम अपना अचार का मसाला तैयार कर लेते हैं। 3 चम्मच डाल रहे हैं हम सौंफ, 1 चम्मच पीली सरसों, 1 चम्मच ये काली सरसों, 3 चम्मच ये है राई, 1/2 चम्मच ये मेथी का दाना। इन सभी मसालों को अच्छे से हम रोस्ट कर लेंगे एक बार। दोस्तों, मसाला हमारा ठंडा हो चुका है, अब इसे हम थोड़ा दरदरा कूट लेंगे। आप चाहे तो इसे कच्चा भी डाल सकते हैं, हल्का सा इसे रोस्ट करने से इसकी जो नमी होती है वो निकल जाती है। आप चाहे तो इसे कच्चा भी डाल सकते हैं। दोस्तों, ये देखिए, अब मसाला हमारा दरदरा है। आप भी इस प्रकार से मोटा रखिए, थोड़ा एकदम पाउडर नहीं बनाना है। दोस्तों, मसाला हमारा रेडी हो गया है, अब हम तेल गर्म कर लेते हैं और तेल को गर्म करके एक बार ठंडा कर लेंगे। तब तक हमारा अचार भी सूख चुका होगा। दोस्तों, 1 किलो अचार में हमें कम से कम 200 ml तेल डालना है। दोस्तों, तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसे हम ठंडा कर लेंगे एक बार। उसके बाद इसमें अचार को हम मिक्स कर लेंगे। जो हमने गाजर कल हमने सुखाने रखे थे वो सूख चुके हैं, कल बारिश आ गया था अचानक, कल वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, आज हम वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने अचार को जो है कमरे पे ही सुखा लिया, आप देख सकते हैं हमने कमरे पे ही सुखाया है। तेल तो हमारा ऑलरेडी ठंडा हो चुका है क्योंकि हम नेक्स्ट डे वीडियो बना रहे हैं। तो अब हम इसमें कुछ मसाले मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले आ गई है 1/2 चम्मच हींग, अगर आप हींग यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है। 1/2 चम्मच पीला सरसों, 1/2 चम्मच राई, 1/2 चम्मच अपना मेथी दाना। दोस्तों, 1 चम्मच डाल रहे हैं कश्मीरी लाल मिर्च चाहिए, अगर आप इसके कलर को बढ़ाना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। 1.5 चम्मच डालेंगे हम लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच डालेंगे हल्दी, हल्दी हमने पहले भी यूज़ किया था। एक बार हम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे तेल में अच्छे से। तो हम अपना गाजर मिक्स कर लेंगे। अब हमने जो मसाला बनाया था अचार मसाला वो भी डाल लेंगे इसमें। दोस्तों, 1 चम्मच डालेंगे हम नमक, नमक हमने पहले भी डाल रखा था। नमक को ज़्यादा डालने से कोई आपत्ति नहीं है, पर इतना ज़्यादा ना हो कि आप इसे खाना पाए। नमक से गाजर में जो है इसका जो एज होती है वो बढ़ जाती है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे एक बार।
दोस्तों गाजर का अचार जो हमारा रेडी है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर भी आया है। कश्मीरी लाल मिर्च से इसका कलर जो है बढ़ जाता है। अब हम इसे जो है डब्बे में बंद कर लेंगे। दोस्तों अभी हमारे यहाँ पे धूप नहीं निकला है, तो अभी हम डब्बे में बंद नहीं करेंगे, धूप दिखाने के बाद डब्बे में बंद कर लेंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, हमारा काम आपको पसंद आ रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो पे किसी नए दिन। तब तक के लिए जय श्री राम। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।